हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी होती क्या है? तो देखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी यह बताती है कि किसी भी मीडियम में लाइट कितनी स्लो है या लाइट कितनी फास्ट है। ठीक है, यदि लाइट की स्पीड हमारी फास्ट होगी तो उसको हम रेयर मीडियम कहेंगे, और लाइट की स्पीड यदि हमारी क्या होती है, लो होगी, स्लो होगी, तो हम उसको डेंसर मीडियम कहेंगे। तो ऑप्टिकल डेंसिटी हमें यही बताती है कि कोई भी मीडियम है तो उसमें लाइट हमारी कितनी स्लो है या कितनी फास्ट है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ हाउ स्लो और फास्ट लाइट ट्रेवल इन अ मीडियम इन कम्पेयर टू अदर। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिख देनी है फर्स्ट। इसका आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। सेकेंड हम देखते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। अब वेवलेंथ क्या होती है? ठीक है, आपको वर्ड इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है वेव। वेव क्या होता है? तो वेव एक डिस्टरबेंस होती है जो ट्रेवल करती है या तो विद मीडियम या विदाउट मीडियम। वेवलेंथ क्या होती है कि जब वेव हमारी, जब भी कोई वेव तरंग ट्रेवल करती है तो दो तरह की चीज़ बनती है। एक पिक तो आपकी बनती है क्रेस्ट, और एक बनती है आपकी टफ। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस को ही वेवलेंथ। ठीक है, अब आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वेव का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमें यह बताता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी ज़्यादा वेव पास कर रही है हमें दिए गए टाइम में। ठीक है,